Good morning, student. Now, we will today proceed further in the chapter motion. As I already told you, that we will see the definitions of rest and motion. In the previous lecture, we have learned about how to define. Now, here is the definition A body is said to be at rest. वैन इट्स पोजिशन डज नाट चेंज विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्ज़रवर ये हमने पहले समझा दिया है कि रेस्ट को डिफाइन करने के लिए टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए एज वेल एज़ ऑब्ज़रवर के दृष्टिकोण से भी उसकी पोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए

जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होती है दैट इज़ कार्ड रेक्टिलियर मोशन रेक्टिलियर मोशन मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे सीधे जा सकती है हॉर्जेंटल या एक स्ट्रेट लाइन में वर्टिकल जा सकती है या एक स्ट्रेट लाइन में स्लॉन्ट रूप में जा सकती है या तिरछे रूप में जा सकती है तो ऑल दिस कार्ड रैक्टिलियर मोशन शर्त क्या है स्ट्रेट लाइन में मोशन होना चाहिए नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है वेन आ बॉडी मूविंग एन ए सर्कुलर पाथ एट कॉन्स्टेंट स्पीड किसी भी सर्कल में यदि एक कॉन्स्टेंट स्पीड से बॉडी मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है मतलब वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इट मीन्स जैसे वो एक मिनट में एक मीटर चल रही है अगले एक मिनट में भी वो एक मीटर चल रही है तो उसे यूनिफाम मोशन कहते हैं इसके बाद हमको दो चीज़ें और देखना है जो मोशन के संदर्भ में हमको काम में आता है वी विल सी टू मोर क्वान्टिटीज़ विच वी विल नीड टू डिफाइन डिफरेंट थिंग्स द टू क्वान्टिटीज़ आर स्केलर क्वान्टिटी एंड वेक्टर क्वान्टिटी स्केलर एंड वेक्टर क्वान्टिटी अब हम इनको डिफाइन करेंगे वाट इज स्केलर क्वान्टिटी द फिजिकल क्वान्टिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन नो सेंस ऑफ डायरेक्शन इज कार्ड स्केलर क्वान्टिटी सो फिज़िकल क्वान्टिटीज मतलब फिजिक्स में आने वाली जो भी क्वांटिटीज़ हैं विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मतलब उनमें परिमाण होता है एंड नो सेंस ऑफ डायरेक्शन मतलब उसमें डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्जाम्पल से अच्छे समझ सकते हैं मास मास को हम मेजर कर सकते हैं किलोग्राम ग्राम टाइम हम मेजर करते हैं सेकेंड में डिस्टेंस हम मेजर करते हैं मीटर में तो ये क्या है मैग्नीट्यूड है टेन मीटर हंड्रेड मीटर या स्पीड फोर्टी किलोमीटर पर आवर तो ये सब क्या है इनके साथ में मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है. जब डायरेक्शन भी जुड़ जाता है तो वो क्वांटिटी फिर वेक्टर हो जाती है तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो गई जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता है स्केलर क्वांटिटी के साथ में स्पेशल बात है कि इनका नॉर्मल एलजेब्रिक ऑपरेशन हम कर सकते हैं नॉर्मल एलजेब्रिक ऑपरेशन मतलब इसका प्लस माइनस हम जैसे प्लस माइनस करते हैं वैसा कर सकते हैं टेन किलोग्राम में से दो किलोग्राम माइनस कर सकते हैं टेन मीटर में से हम एट मीटर माइनस कर सकते हैं या टेन में एट प्लस कर सकते हैं तो ये सीधे सिंपल जैसे हम न्यूमेरिकल को प्लस करते हैं वैसे ही इन क्वांटिटी को हम प्लस कर सकते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल हमारे जो मैथमेटिकल रूल है अलजेब्रिक ऑपरेशन के वो अप्लाई होते हैं तो हम के इनको एग्ज़ाम्पल स्केलर क्वांटिटी के एग्ज़ाम्पल हमको याद रखना चाहिए मास टाइम डिस्टेंस स्पीड एंड वर्क नाउ सेकेंड क्वान्टिटी इज़ द फिजिकल क्वान्टिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेंस ऑफ डायरेक्शन आर आरकार्ड वेक्टर एसी ऐसी जो क्वान्टिटी है जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेंस ऑफ डायरेक्शन भी रखती है वेक्टर क्वान्टिटी कहलाती है एग्जाम्पल डिसप्लेसमेंट वेलासिटी फोर्स डिसप्लेसमेंट के साथ में हमको डायरेक्शन भी देना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है नॉर्थ में हुआ साउथ में हुआ या हमारा जो डिजायर्ड डायरेक्शन है उसमें हुआ कि नहीं हम चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ जाए और अगर उस तरफ नहीं जा रहा है दूसरे तरफ़ जा रहा है तो फिर वो माइनस क्वांटिटी हो जाती है यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ में हमको ये बताना ज़रूरी है कि हमारा ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है वेलोसिटी के साथ में भी, भी यही है फोर्स के साथ भी हम फोर्स लगा रहे हैं तो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो इन सब के साथ में सेंस ऑफ डायरेक्शन जुड़ा हुआ है मैग्नीट्यूड में तो इनमें होता ही होता है तो जब मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेंस ऑफ डायरेक्शन दोनों ही किसी क्वांटिटी के साथ जुड़ा हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है अब वेक्टर क्वांटिटी के साथ में स्पेशल बात है वेक्टर डू नॉट ओबे नॉर्मल अलज्रिक ऑपरेशन जैसे यहाँ हमने देखा कि यहाँ अलजेबरिक ऑपरेशन से या प्लस माइनस हो रहे हैं लेकिन ये क्योंकि इसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन जुड़ा होता है इसलिए ये अलजबरिक ऑपरेशन के रूल इसमें अप्लाई नहीं होते इनको प्लस या माइनस करने के लिए स्पेशल रूल होते हैं जो हम इलेवंथ क्लास में सीखेंगे अभी नाइन्थ क्लास के स्टैंडर्ड से अपने कोर्स में नहीं है तो हमने आज रेस्ट मोशन स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इनकी डेफिनेशन देखी और एक्टेलियर मोशन क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है अब हमको मोशन को और स्पेशली अच्छे समझने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है सपोज आपका जो होम उस घर से कोई कार यदि आ रही है तो अपने घर से कितने पास आ रही और अपने घर से कितने दूर जा रही है तो होम हमारा एक रेफरेंस पॉइंट हो गया रेफरेंस पॉइंट से कोई वस्तु कितनी पास आ रही कितनी दूर जा रही है इसको समझने के लिए हमको रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है कोई ऑब्जेक्ट कहाँ से मूव कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है वो और रेफरेंस पॉइंट हमको समझने में मदद करता है नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी सम फर्दर मोर डेफिनेशन वाट इज़ यूनिफॉर्म वेलासिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलासिटी यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड डिसप्लेसमेंट एंड डिस्टेंस This quantity we have to understand to properly understand the motion. Thank you.